हेलो एवरीवन, मैं हूं कृष्णा और मेरे चैनल इम्पीरियल साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं डीएवी क्लास 8 का चैप्टर 4, फोर्स एंड प्रेशर का क्वेश्चन नंबर ए और बी। तो चलिए शुरू करते हैं। ए है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है, फॉर अ फोर्स टू कम इन टू प्ले टू कंसर्न बॉडी मस्ट डैश विथ ईच अदर। तो यहाँ इंट्रैक्ट होगा, और इंट्रैक्ट इसलिए होगा क्योंकि जब दो बॉडीज़ आपस में कांटेक्ट में आते हैं तभी जाके उस दोनों में फोर्स एक्सपीरियंस होता है। दूसरा है, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू डैश द रोप। तो यहाँ पुल होगा। तीसरा है, ए अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन ए मूविंग बॉडी में चेंज इट्स डैश एंड डैश। तो यहाँ स्पीड एंड डायरेक्शन होगा। चौथा है, इन द गेम ऑफ क्रिकेट द बेल फॉल्स व्हेन द बॉल स्ट्राइक देम, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश फोर्स। तो इसमें बोल रहा है कि जो क्रिकेट का स्टंप होता है उस पर जो बेल रखा रहता है वो कब गिरता है, जब बॉल उसको स्ट्राइक करता है। तो स्ट्राइक मीन्स जब उससे स्टंप से कॉन्टैक्ट में बॉल आता है तब बेल जाके फॉल होता है। तो यह यहाँ कॉन्टैक्ट फोर्स होने वाला है। पाँचवा है, द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर राइजिंग आवर बॉडी हेयर व्हेन वी ट्राई टू टेक ऑफ अ सिंथेटिक शर्ट इन द ड्राई वेदर कंडीशन इज एन डैश फोर्स। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। छठा है, द एटमोस्फेरिक प्रेशर डैश एज वी मूव टुवार्ड हायर अल्टीट्यूड। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो एटमोस्फेरिक प्रेशर घटता है। इसी वजह से जो है जो माउंटेनर होता है वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके माउंटेन पे चढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बी ट्रू फॉल्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द इफेक्ट ऑफ फोर्स में चेंजेस बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो ये ट्रू होगा। दूसरा है, द फोर्स हैज़ टू बी स्पेसिफाइड बोथ इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो ये भी ट्रू होगा। और तीसरा है, फ्रिक्शनल फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स जो है कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। फ्रिक्शन तभी होता है जब दो ऑब्जेक्ट आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं। तो ये फॉल्स होगा। चौथा है, ए गैस फिल्ड बैलून मूव्स अप, द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन इट स्मॉलर देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और जब हम किसी बैलून में गैस भरते हैं तो ऊपर की तरफ जाने लगता है। तो इसका मतलब क्या है कि अपवर्ड फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा है, इस वजह से ऊपर की तरफ जा रहा है। और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता तो वो नीचे की तरफ आता। तो यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, इस वजह से यहाँ फॉल्स होगा। पाँचवा है, वी कैन रिड्यूस द प्रेशर ऑफ ए गिवन फोर्स बाय इंक्रीजिंग द एरिया ओवर विच द फोर्स इज एक्टेड। ट्रू है ये, इसलिए क्योंकि प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो एरिया जब हम घटाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, और एरिया अगर बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा। तो ये वो यही बोल रहा है, एरिया बढ़ाने पे प्रेशर घटता है, तो ट्रू होगा। छठा है, इनसाइड अ बोटल फिल्ड विथ वाटर प्रेशर इज लेस्ट एट द बॉटम एंड ग्रेटर एट द सरफेस ऑफ वाटर। तो इसमें बोल रहा है जब भी हम बॉटल में पानी भरते हैं तो जो बॉटम जो नीचे पेंदी रहता है वहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है और सरफेस पे कम होता है। तो यहाँ उल्टा लिखा हुआ है कि जो नीचे है बॉटम में वहाँ का कम होगा और सरफेस पे ज़्यादा होगा। तो ये उल्टा है, इस वजह से ये फॉल्स है। और ये दोनों क्वेश्चन यहीं तक था। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं इसी तरह का वीडियो आपके पास लाता रहूँ। थैंक यू।